हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। माय नेम इज लव शुक्ला। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक से होंगे और आप अपने जो प्रीलिम्स है 31 मई को, उसकी प्रिपरेशन आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। ठीक है, तो आप लोग आज का जो हमारा सेशन है वो साइंस एंड टेक का फोर्थ सेशन है। ठीक है, जिसमें हम आज इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज और जो मिशंस एंड प्रोग्राम्स हैं, जो नए न्यू मिशंस आ रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, ठीक है, जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, उस पर हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। ठीक है, बच्चों के डिमांड्स के अकॉर्डिंग, जो बच्चों की डिमांड आ रही थी टेस्ट सीरीज को लेकर के, तो उसके रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है मेरे पास आपके लिए। ठीक है, तो चलिए पहले वो देख ले। अभिमन्यु की तरफ से जो है ये टेस्ट सीरीज लॉन्च की गई है, अभिमन्यु आईएएस की तरफ से। सभी जो एस्पिरेंट्स हैं 2020 के 31 मई को जैसे आपका एग्जाम होना है, तो उसके लिए आपको जो टेस्ट सीरीज जो है ये लॉन्च की गई है, जिसके जो कोऑर्डिनेटर है वो रमीश सर है। बहुत ही फेमस फैकल्टी है आईएएस की फील्ड के अंदर, जो आपको ये टेस्ट का जो कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो टोटल टेस्ट होंगे वो 30 टेस्ट होंगे, 16 सेक्शनल टेस्ट दिए जाएंगे आपको और 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे और 4 सीसेट टेस्ट भी दिए जाएंगे, सो दैट कि आपकी कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन जो है वो हो सके। ठीक है, जो इसकी कॉस्ट है वो 2550 रहेगी, बाकी 70% का डिस्काउंट है कोविड-19, जो आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में त्राही मची हुई है। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखते हुए, बच्चों की फाइनेंशियल जो इम्पोर्टेंट जो नीड है उसको ध्यान में रखते हुए, इसको 70% का डिस्काउंट जो है वो कर दिया गया है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन थी आपको जो मैं आपको देना चाहता था। तो चलिए अपना आज का सेशन जो है, हम आज वो सेशन शुरू करते हैं T20 का, जिसमें इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, प्रोग्राम्स और मिशंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जल्दी जल्दी से आंसर कीजिएगा चैट बॉक्स में क्वेश्चन के साथ साथ। ठीक है, तो सो दैट, और जो आपके जो मार्क्स हैं वो सेशन के एंड में आप चैट बॉक्स में आप डाल दीजिएगा, सो दैट कि आपकी जो रैंकिंग है वगैरह है जो उसको हमारे को पता लग सके। तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, तो बच्चों क्वेश्चन पहला आपकी स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। आपके पास 15 सेकेंड्स का टाइम है इसको आंसर करने के लिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद ह्यूमंस बाय एक्सेप्टिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ वॉइस टेलीफोन इनपुट एंड टच टोन कीपैड सिलेक्शन। सेकेंड स्टेटमेंट इज इट कैन बी यूज्ड फॉर मोबाइल परचेजेस, बैंकिंग पेमेंट सर्विसेज, रिटेल ऑर्डर्स, यूटिलिटीज, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन एंड वेदर कंडीशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? ऑप्शन ए इज वन ओनली, ऑप्शन बी इज टू ओनली, ऑप्शन सी इज बोथ वन एंड टू, ऑप्शन डी इज नाइदर वन नोर टू। तो जल्दी से आंसर कीजिए, इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम बहुत ही ज्यादा न्यूज में है ये, तो करंट की एक टेक्नोलॉजी है, ये करंट की टेक्नोलॉजी है जिसको आपको जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी आजकल जो आपकी डेली लाइफ में जिन टेक्नोलॉजीज का आप यूज करते हैं, बेसिकली उन्हीं से रिगार्डिंग जो है क्वेश्चन वो पूछता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन सी। ठीक है, इसकी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये इंटरैक्टिव, इसमें होता क्या है कि ठीक है, जो एक जो मशीन होती है वो जो पर्सन होता है उसके साथ वो इंटरेक्ट करती है, और जो भी उस पर्सन की जो क्वेरीज होती हैं, वो जो उसका अप्रोप्रिएट रेसिपिएंट्स होता है वो उसके तरफ कॉल्स को रूट कर देती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी एक लॉन्च किया है कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम टू फैसिलिटेट बैंक कस्टमर ग्रीवेंसेस रिड्रेसल प्रोसेसेस। तो रिजर्व बैंक भी है, तो भी इसी टेक्नोलॉजी के बेस पे जो है ये कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये लॉन्च किया गया है रिजर्व बैंक की तरफ से। ठीक है, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, चलो जल्दी से आंसर कीजिए। WHO लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन टूल नोन एज अवेयर, इट इज बींग यूज टू। WHO ने एक न्यू टूल जो है वो लॉन्च किया है, तो AWARE, इसका यूज क्या है? स्टेटमेंट वन इज प्रमोट अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज, स्टेटमेंट बी इज प्रमोट सेफर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, स्टेटमेंट सी इज रेज अवेयरनेस अबाउट द ट्रॉपिकल नेग्लेक्टेड डिसीज, एंड स्टेटमेंट डी इज रेज फंड फॉर रेयर डिसीज इन साउथ एशिया।
तो जल्दी से आंसर कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस जो है, जो समटाइम्स इन द न्यूज, ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं यूपीएससी के एग्जाम में, ठीक है। और आपसे ये भी पूछ सकता है, ये तो वन वे हो गया क्वेश्चन को पूछने का, आपके लिए कुछ इस तरीके से पूछ सकता है कि टूल यूज किया तो बताइए वो टूल किसने यूज किया। तो आपको ध्यान में रखना है वो टूल किसने यूज किया है, WHO ने। तो अभी का जो क्वेश्चन है वो आप आंसर कीजिए कि इस टूल का यूज क्या है, इस टूल को यूज कैसे कर सकते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ठीक है। WHO लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन टूल नोन एज अवेयर टू प्रमोट सेफर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। आपको पता है कि आजकल की डेट में क्या होता है कि कुछ थोड़ा सा फीवर होने पर भी हम अपने आप ही डॉक्टर बन जाते हैं और एंटीबायोटिक्स का यूज कर लेते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो एंटीबायोटिक जो है वो उसका जो यूज होता है वो बहुत ज्यादा ह्यूमन बॉडी के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट उसका पड़ना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इन लॉन्ग रन में क्या होता है, जो ह्यूमन बॉडीज है वो एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्स नहीं कर पाती, जो कि एक लॉन्ग टर्म में चल करके एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज हो सकती है। तो जिसकी वजह से WHO ने ये जो टूल है ये लॉन्च किया है, सेफर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स। थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन एंटीबायोटिक्स से रिलेटेड आपको होनी चाहिए। एंटीबायोटिक्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक्सेस, इसमें हम मोस्ट कॉमन एंड सीरियस इन्फेक्शन से रिलेटेड जो एंटीबायोटिक्स है वो यूज करते हैं। वॉच लिस्ट में, जो हेल्थ केयर सिस्टम के पास जो एंटीबायोटिक जो अवेलेबल होती है उसको वॉच लिस्ट में रखा जाता है। और जो थर्ड टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो होती है रिजर्व टाइप की। इसमें क्या होता है कि जो ये लास्ट रिजोर्ट्स होती हैं, ठीक है, एंटीबायोटिक्स का, और इनको जो है लास्ट समय पर यूज करने के लिए ही रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब प्लास्टिक क्रस्ट, प्लास्टिक क्रस्ट। तो जल्दी से आंसर कीजिए, प्लास्टिक क्रस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट ए, इट इज न्यूली डेवलप्ड बायोडिग्रेडेबल एंड इकोलॉजिकल सेफ प्लास्टिक। स्टेटमेंट बी इज, इट इज द हीट वेव फिनोमेना कॉज ड्यू टू एन इंक्रीज इन द प्लास्टिक पोल्यूशन। स्टेटमेंट सी इज, इट इज अ लेयर ऑफ प्लास्टिक एंड क्रस्टेड ऑन द ओशन रॉक्स विच इज कंपोज मेनली ऑफ पॉलिथीन। एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव, प्लास्टिक क्रस्ट। मेरे बच्चों आज के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो ऐसी तरह इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, चैलेंजेस है, प्रोग्राम्स है, मिशंस है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है ये, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको जो है यूपीएससी के एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए, चैट बॉक्स में आंसर कीजिए, जल्दी से आंसर कीजिए। तो चलिए आंसर हमारे पास आ रहे हैं, चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट सी, ठीक है। जो साइंटिस्ट फ्रॉम मरीन एंड एनवायरमेंटल साइंस सेंटर है, उन्होंने न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन, जो बच्चों ये प्लास्टिक क्रस्ट जो है ये एक न्यू टाइप ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे जो मरीन स्पीशीज हैं, ठीक है, जो हमारा मरीन एनवायरनमेंट है वो किस तरीके से उसको पोल्यूटेड किया जा रहा है, ठीक है। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है, जो ह्यूमन वेस्ट होता है, उसको जो लास्ट में उसको कहाँ पे डंप किया जाता है, जाकर के ओशंस के अंदर, जिसकी वजह से वहां पे बहुत ही ज्यादा प्लास्टिक पोल्यूशन जो है आज की डेट में बहुत ज्यादा होना स्टार्ट हो गया है। और इसमें मेनली जो कंपोज होता है ये किसके ऊपर कंपोज होता है, पॉलिथीन बेस्ड, ठीक है। जो मरीन एंड एनवायरमेंटल साइंस सेंटर है उन्होंने इस टाइप न्यू प्लास्टिक पोल्यूशन को जो है उन्होंने डिस्कवर किया है, ठीक है। और ये कहाँ पर पाया जाता है, मेनली जो कहाँ पर डिस्कवर हुआ अभी है, मदेरा ए वोल्कानिक पोर्तुगीज आइलैंड्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका में एक पोर्तुगीज आइलैंड है मदेरा, वहां पर इसको फाउंड किया गया है। तो आपको अब ये इन्फॉर्मेशन, जिस साइंस एंड टेक का ही सेशन है तो आपका साथ साथ जो है ज्योग्राफी का पार्ट भी आपका कवर हो रहा है, ठीक है, कि मदेरा आइलैंड्स कहाँ पर हैं, पोर्तुगीज मदेरा आइलैंड्स के जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, शील्ड वोल्केनो है ये, किस टाइप ऑफ वोल्केनो है। तो आपको इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन जो है आपको गैदर करनी है। तो मेनली ये जो पूरा का पूरा अभियान जो ये चलाया जा रहा है, ये आपको मेनली आपको यही बताने के लिए चलाया जा रहा है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन का यूज कैसे करना है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछे जाएंगे, हाँ, बट इनडायरेक्ट वे में जो क्वेश्चन है आपको उस चीज के रिगार्डिंग जो है आपको पता होना चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 4 जो है बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, न्यू IPR पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन है। न्यू IPR पॉलिसी 2016 में आई थी, तब से लेकर बहुत ही ज्यादा न्यूज में थी।
ठीक है। और न्यू आईपीआर पॉलिसी पे 2016 प्रीलिम्स में क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, और लास्ट 3 ईयर से इस पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, तो इस साल इसके पे क्वेश्चन पूछने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो इन द कंटेक्स्ट ऑफ न्यू आईपीआर पॉलिसी द टर्म कंपल्सरी लाइसेंसिंग, हर दूसरे तीसरे दिन आपको जो न्यूज़पेपर में कंपल्सरी लाइसेंस के ऊपर जो न्यूज़ है वो देखने को मिल जाएगी, बट कंपल्सरी लाइसेंसिंग पे अभी तक जो है क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा नहीं गया है। तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि इस साल जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है। तो जल्दी से आंसर कीजिए। योर स्टेटमेंट ए इज टू प्रोटेक्ट ओनरशिप ऑफ आर्टिस्टिक वर्क इंक्लूडिंग आर्टिस्टिक लिटरेरी म्यूजिकल एंड थेटिकल क्रिएशन। स्टेटमेंट बी इज टू सेफ गार्ड एन ओरिजिनल इन्वेंशन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। स्टेटमेंट सी इज टू यूज अ पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर। स्टेटमेंट डी इज टू आइडेंटिफाई एंड डिफ्रेंशिएट द सोर्स ऑफ गुड्स फ्रॉम अदर सिमिलर पार्टीज। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, जो कंपलसरी लाइसेंसिंग होती है इसमें क्या किया जाता है कि जैसे मान लो आप किसी जो मेडिसिन है, ठीक है, आप उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपने उसका पेटेंट करवा लिया, बट समटाइम क्या होगा कि उस मेडिसिन का जो आपका जो पेटेंट है वो गवर्नमेंट जो है वो किसी और कंपनी को भी अलाउ कर सकती है सेम मेडिसिन को प्रोड्यूस करने के लिए बिना आपकी कंसेंट के। ठीक है, तो इसको कंपलसरी लाइसेंसिंग बोला जाता है। तो कंपलसरी लाइसेंसिंग से ये मत समझना कि एक बार लाइसेंसिंग कर दी तो उसके अलावा आपको कोई और यूज ही नहीं कर पाएगा। इसके मेथड, इसका जो नाम है इससे थोड़ा सा उलट है, कंपलसरी लाइसेंसिंग कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो अलाउ कर सकती है समवन एज टू प्रोड्यूस अ पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द पेटेंट ओनर और प्लान टू यूज अ पेटेंटेड प्रोटेक्टेड इन्वेंशन इटसेल्फ। ठीक है, तो WTO के अंदर जो ट्रिप्स है, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, उसमें भी इस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो प्रोवाइड की गई है। क्लियर, तो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी पे, नैनो टेक्नोलॉजी पे, बायो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है क्वेश्चन जो है वो लास्ट ईयर में जो है पूछा जा चुका है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो इस साल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेनिफिट्स ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी, आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स जो है वो आपको बताने हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ए इज यूजेज इन प्रोडक्शन ऑफ OLED प्लाज्मा डिस्प्लेस क्वांटम कंप्यूटर्स। स्टेटमेंट टू इज हेल्प इन डायग्नोसिस डिफरेंट डिसीजेस। स्टेटमेंट थ्री इज एनहांस न्यूट्रिएंट डिलीवरी ऑफ फूड आइटम्स। एंड ऑप्शन फोर, स्टेटमेंट फोर इज यूज इन प्रोडक्शन ऑफ स्टेन एंड रिंकल रेजिस्टेंट क्लोथिंग। तो जल्दी से आंसर कीजिए, ऑप्शन ए बी सी एंड डी आपकी स्क्रीन पर है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। नैनो टेक्नोलॉजी, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। बच्चों नैनो टेक्नोलॉजी से जितने भी स्टेटमेंट जो है वो आपको यहाँ पर जो है वो करेक्ट दी गई हैं। ठीक है, सभी जो भी स्टेटमेंट्स थी उसमें इन वन वे और इन इनडायरेक्ट वे जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज वो कर सकता है। ठीक है, नैनो टेक्नोलॉजी में अंदर क्या होता है कि जो आपका जो जो आपका एलिमेंट होता है, ठीक है, वो जब 10^-9 नैनोमीटर में जब जो उस जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो जो मटेरियल होता है वो एक यूनिक और पेक्यूलर वे में बिहेव करना स्टार्ट कर देता है। जो उसकी फिजिकल केमिकल जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, नॉर्मल मटेरियल की, वो जब उसको नैनोमीटर के ऊपर जब उसको यूज किया जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, तो उसको वो है वो बहुत ही डिफरेंट वे में और बहुत ही यूटिलाइज वे में उसको यूटिलाइज बहुत ही डिफरेंट वे में उसको यूटिलाइज किया जा सकता है। ठीक है, तो आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि नैनो टेक्नोलॉजी यूज कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोई एक मटेरियल जो है वो जब वो नैनोमीटर स्केल पे, ठीक है, जब उसका साइज बहुत ज्यादा छोटा है, 10^-9 है, तो वो डिफरेंटली बिहेव करेगा एज कंपेयर टू देयर नॉर्मल साइज। क्लियर, तो चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट। सिक्स क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए, ये इस ओवर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है आपको चैट बॉक्स में अपने मार्क्स जो है वो आपको बताने होंगे। ठीक है, मैम कंप्यूटर वाज रिसेंटली इन द न्यूज, इट इज रिलेटेड टू, अगर आपने लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो आपने डिस्कस किए हो, ठीक है, एनालाइज किए हो किसी उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, तो आपको हर साल जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो इसी टर्म में मिलेंगे कि रिसेंटली इन द न्यूज और समटाइम सीन इन द न्यूज। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कीजिए।
मैम कंप्यूटर, स्टेटमेंट ए इज टाइप ऑफ कंप्यूटर यूज्ड बाय स्मॉल बिजनेस एंड फर्म्स, स्टेटमेंट बी इज फास्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स, स्टेटमेंट सी इज टाइप कंप्यूटर डेट वर्क बाय मिमिकिंग द ह्यूमन ब्रेन, स्टेटमेंट डी इज मल्टी यूजर कंप्यूटर कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग मैनी थाउजेंड ऑफ यूजर साइमल्टेनियसली। तो जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी। तो चलिए सर करेक्ट आंसर देख लेते हैं, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। मेमे कंप्यूटर क्या करता है, जैसे मेमे कंप्यूटर, जैसे इसका नेम से स्पेसिफाई है कि मिमिक करेगा ये। अगर हम थोड़ी सी अपनी कॉमन सेंस लगाते तो हम इससे जो है क्वेश्चन को विदाउट, बिना नॉलेज के, ठीक है, बिना पढ़े इसको हम, अगर वहां पर जाकर के हमें कुछ अपनी कॉमन सेंस बेस पे कुछ क्वेश्चन जो हमें सोल्व करने होते, तो ये वन ऑफ टाइप क्वेश्चन है जो हमें अपनी कॉमन सेंस के बेस पे हम सोल्व इजिली कर सकते थे। तो ये इस टाइप के कंप्यूटर में क्या करता है, ये मिमिक करता है ह्यूमन ब्रेन्स को। ठीक है, जैसे आपको पता होगा जो ह्यूमन का जो ब्रेन है उसमें जो न्यूरोन्स है, ठीक है, उसको मिमिक करता है जो ये कंप्यूटर है। ठीक है, ह्यूमन न्यूरोन्स जो होते हैं वो हमारे जो ब्रेन में भी, आपको पता है कि कोई भी जो सिग्नल्स होते हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स से हमारे ब्रेन की तरफ जाते हैं, ठीक है, वो उसको प्रोसेस करता है और उसको स्टोर करके रखता है, जिसको हम सबकॉन्शियस मेमोरी भी बोल देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ये कंप्यूटर जो होगा, मेमोरी कंप्यूटर जो होगा, ये भी सेम एज अ प्रोसेसर और एज अ मेमोरी जो है वो यूज करेगा। ठीक है, और मेमोरी कंप्यूटर कैन ऑपरेट एट रूम टेम्परेचर आल्सो, तो कि इसको किसी भी तरीके से, जैसे क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं जो कि वो बहुत ही एक्सट्रीम लो टेम्परेचर पे जो है वो वर्क करते हैं, लेकिन जो मैम कंप्यूटर जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी इजिली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट ओवर का जो था ये लास्ट क्वेश्चन था, इसके बाद जो नेक्स्ट ओवर स्टार्ट होने लगा है। ठीक है, तो आप अपने मार्क्स जो है वो चैट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, जल्दी से आंसर कीजिए। विद रेफरेंस टू द न्यूट्रिनोस, न्यूट्रिनोस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, न्यूट्रिनो से रिलेटेड जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है आपको उस पर आंसर करना है। जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, दे आर सब एटोमिक पार्टिकल्स विच पासिस थ्रू द अर्थ एटमोस्फेयर। स्टेटमेंट टू इज दे ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, द स्टेटमेंट थर्ड इज इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी विल बी सेटअप इन तमिलनाडु बिकॉज इट हैज मोर स्टेबल रॉक स्टेटा देन द हिमालयस। तो बच्चों साथ साथ आपकी ज्योग्राफी का पार्ट भी जो है वो आपको आपका कवर हो रहा है। ठीक है, तो जल्दी से आंसर कर दीजिए इस क्वेश्चन का। मोस्टली जो न्यूट्रिनो जो है लास्ट टू थ्री ईयर से ही न्यूज में रह रहे हैं, तो कुछ बच्चों का ये, कुछ बच्चे ये सोचते हैं कि लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर कर लिया तो बस सफिशियंट है। तो अगर आपने लास्ट टू थ्री ईयर्स क्वेश्चन जो है एनालाइज किए हों, तो जो करंट अफेयर है वो अब उसका कोई लिमिट नहीं रह गई है। इनफैक्ट वो 5 to 6 ईयर पुराने जो मिशन हैं, जो प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, जो भी एग्रीमेंट साइन है उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जल्दी से आंसर कीजिए। तो चलिए सर करेक्ट आंसर देख लेते हैं, देख करेक्ट आंसर डी। सभी जो इन्फॉर्मेशन है न्यूट्रिनो से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन के अंदर वो सही थी। तो न्यूट्रिनो जो होता है वो सिमिलर टू होता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बट इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होते। जैसे इलेक्ट्रॉन पे आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, साइंटिफिक थोड़े टेक्निकल टर्म में अगर हम जाएं तो, और जो प्रोटॉन्स होते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता एंड हैज वेरी स्मॉल मास विच माइट इवन बी जीरो। ठीक है, जो मासलेस होने की वजह से, नियरली मासलेस, ये चीज को ध्यान में रखना है, न्यूट्रिनो ट्रेवल एट नियरली द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो स्पीड ऑफ लाइट के से भी ये जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। अनअफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रिनोस मीट द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, तो ये न्यूट्रिनो पे बेस्ड क्वेश्चन था, तो आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो ज्यादा फर्टाइल है या नहीं है, ठीक है, रिजर्वायर सेडिमेंटेशन असेसमेंट है वो हम उसको कर सकते हैं कि जो कोई भी रिजर्वायर है उसका क्या सेडिमेंटेशन, उसका किस लेवल का सेडिमेंटेशन है। ठीक है, एग्रीकल्चर ड्रोट असेसमेंट की अगर किसी एरिया में ड्रोट है तो उसको इजिली असेस किया जा सकता है। कॉमन सेंस से अगर बात करें तो स्पेस टेक्नोलॉजी को आपको पता है कि डिफरेंट डिफरेंट स्पेस क्राफ्ट जो जाते हैं डेली, आप अपने न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि ये स्पेस क्राफ्ट जो है इसरो ने भेजा, इसमें ये यूज होगा, ये यूज होगा, ये यूज होगा। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, इसमें ऐसी कोई अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी, ये आपको कॉमन सेंस बेस पे ऐसे क्वेश्चन जो है वो सोल्व करने पड़ेंगे। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपके सामने।
जल्दी से आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस रडार एंड लीडार, विच ऑफ द स्टेट। अब बच्चों इसमें इनकरेक्ट जो है वो पूछा गया है, मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया है इनकरेक्ट को, बट आपको जो एग्जाम में जो है वो ऐसी बोल्डनेस देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपने वहां पर इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि उस समय प्रेशर इतना होता है बच्चों के ऊपर, ठीक है। तो इनकरेक्ट और करेक्ट करेक्ट के अंदर वहां पर डिफ्रेंशिएट करना, ठीक है, बच्चों की नजर ही नहीं जाती है इनकरेक्ट पूछा गया है या करेक्ट पूछा गया है। तो आपको इस चीज का भी ध्यान में रखना है, यहां तो आपको बोल्ड करा हुआ मिल गया है, बट आपको एग्जाम में ऐसे बोल्ड किया हुआ नहीं मिलेगा। तो जल्दी से आंसर कीजिए। योर स्टेटमेंट 1 इज रडार कैन नॉट प्रोवाइड द यूजर विद प्रिसाइज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द शॉर्टर वेवलेंथ। स्टेटमेंट 2 इज रडार कैन मेक इन हार्श एनवायरमेंट लाइक फॉग रेन एंड स्नो व्हाइल लिडार हैज लिमिटेड यूजेबिलिटी इन सच एनवायरमेंट, ठीक है। तो रडार और लिडार, जैसे आपको पता है कि अभी जो बालाकोट स्ट्राइक्स हुई थी, इंडिया ने की थी, तो उसके अंदर हमारे पीएम साहब ने कहा था कि जो उस समय बारिश हो रही थी, बारिश की वजह से जो है कि जो हमारे स्पेस, जो हमारे एयरक्राफ्ट होंगे, ठीक है, जो हमारे जो जो हमारे जो हमारे एयरक्राफ्ट होंगे उसको जो है वो पाकिस्तान के रडार जो है वो उसको नहीं कैच कर पाएंगे। तो जिसकी वजह से रडार और लिडार टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए से करेक्ट आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, करेक्ट है। मतलब इनकरेक्ट तो पूछा गया है, तो हमें इनकरेक्ट बताना था, तो उस वे में जो करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन ए रहेगा। जो रडार जो वर्क करता है वो लॉन्गर वेवलेंथ पे वर्क करता है, ठीक है, शॉर्टर वेवलेंथ पे वर्क नहीं करता। एंड रडार इज यूजली एप्लीकेशन वाइल डिटेक्शन डिस्टेंस इज इंपॉर्टेंट बट नॉट द एग्जैक्ट साइज। मीन्स रडार की एप्लीकेशन के हम जो जो डिस्टेंस है वो तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट साइज को हम यूज नहीं कर सकते। बट जो लिडार की जो टेक्नोलॉजीज है उसको हम यूज करके जो उस एग्जैक्ट शेप और साइज है उसका भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। जो रडार सिस्टम है वो रेडियो वेव्स पे वर्क करता है और जो लिडार सिस्टम है वो लेजर पे, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है, वो आपको डिफरेंस को भी पूछ सकते हैं रडार और लिडार के बीच में, कि रडार जो है वो किस पे वर्क करता है और जो लिडार है वो किस पे वर्क करता है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बालाकोट स्ट्राइक्स को ध्यान में रखते हुए ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है इस साल के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। विद रेफरेंस टू यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 इज इट इज ओनली फॉर स्टूडेंट हु हैव फिनिश्ड द 9th स्टैंडर्ड थ्रू सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड। स्टेटमेंट 2 इज इट इज समर रेजिडेंशियल प्रोग्राम बाय इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ए ओनली, टू ओनली, बोथ 1 एंड 2, नाइदर 1 नॉर 2। यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम, जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए सर करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर बी, ठीक है बच्चों। अब देखो किस तरीके से यूपीएससी में भी क्या इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, कि वो कोई ना कोई एक जो स्टेटमेंट होगी, स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी आपको कहाँ पे कंफ्यूज कर सकती है। वहां पर दिया होगा सिर्फ सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेकिन जो स्टेट जो सिलेबस जो स्टेट बोर्ड्स होते हैं उसके स्टूडेंट्स को भी कवर करता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, और 9th स्टैंडर्ड के साथ साथ जो 10th स्टैंडर्ड को भी बच्चों जो 10th स्टैंडर्ड में होते हैं, जो जिन्होंने 9th स्टैंडर्ड को भी पास कर लिया गया होता है, वो भी इसमें जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो उनका सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो होता है 8th स्टैंडर्ड के मार्क्स, क्लियर। तो इसी तरीके से छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन में ही आपको कन्फ्यूज किया जाता है। तो आपको इन्हीं इन्फॉर्मेशन का जो आपको ज़्यादा जो एम्फेसाइज करना है वो इन्हीं इन्फॉर्मेशन की तरफ ही करना होता है, क्लियर। कि हर क्वेश्चन के अंदर हर स्टेटमेंट में कुछ ना कुछ आपको पता होगा कि यूपीएससी का, अगर आप ये पैटर्न समझ जाओगे कि यूपीएससी कहाँ पर आपके साथ खेल सकता है, तो आपके लिए क्वेश्चन समझना और क्वेश्चन को सोल्व करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया स्क्रीन पर, जल्दी से आंसर कीजिए। इस सेकंड ओवर का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू साइबर फिजिकल सिस्टम। इट इज इंटीग्रेशन ऑफ कंप्यूटेशन नेटवर्किंग एंड फिजिकल प्रोसेसेस। सेकंड स्टेटमेंट इज द नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम वाज लॉन्च्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। स्टेटमेंट 3 इज सीपीयू इज यूज्ड इन रोबोटिक्स डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ऑप्शन ए इज
वन एंड टू ओनली, बी इज टू एंड थ्री ओनली, सी इज वन एंड थ्री ओनली, ऑप्शन डी इज वन टू थ्री। ठीक है बच्चों, तो साइबर फिजिकल सिस्टम इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर जो है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 2019 में इंटरनेट थिंग्स के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछ लिया गया है। तो आपको जो प्रीवियस ईयर पेपर है जो, आपको वो भी एनालाइज करना बहुत जरूरी है कि किस टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है। तो साइबर फिजिकल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन जो है अभी तक नहीं पूछा गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो सभी जो इंफॉर्मेशन है उसमें जो दी गई इंफॉर्मेशन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, जो ये जो मिशन है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने स्टार्ट किया फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मे भी बच्चों आपको जो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको जो पीरियड है वो आपको 2 ईयर पीरियड, 3 ईयर पीरियड भी दे दिया जाएगा। 2017 में भी इसी तरह से एक मिशन के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था, उसके अंदर भी जो पीरियड था उसके अंदर चेंज किया गया था। तो आपको इसे ये आपको पता होना चाहिए कि जो पीरियड है वो इसका वो 5 ईयर है। ठीक है, द मिशन एड्रेस द एवर इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, जो जैसे जैसे हमारी सोसाइटी जो है वो डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होती जा रही है। ठीक है, जो हमारी जो नीड्स हैं वो डिफरेंट होती जा रही है। जैसे आपको पता है कि आज के डेट में भी जो कोरोना वायरस की वजह से हम अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, तो इस केस के अंदर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है, चाइना जापान में आपने देखा होगा कि जो वो रोबोट्स को यूज़ करते हुए जो है जो सामान जो है वो लोगों तक पहुँचाया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये सिस्टम है वो हम यूज़ करेंगे, साइबर फिजिकल सिस्टम। और इस केस के अंदर जो भी हमारा जो पूरा सिस्टम है, ठीक है, अभी रिसेंटली एक इंस्टीट्यूशन की भी एक रिपोर्ट आई है कि इस COVID-19 के केस में जो इंडिया का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका उसका उसके ऊपर साइबर अटैक होने का खतरा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो साइबर फिजिकल सिस्टम जो है वो इसी इसी तरीके से हेल्प करता है कि जो ये जो साइबर अटैक्स हैं वो उसके ऊपर ना हो सके। क्लियर, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पे, जल्दी से आंसर कीजिए। रैंके कमीशन, रैंके कमीशन समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, स्टेटमेंट ए इज टू स्टडी द यूज एंड एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द मिलिट्री, स्टेटमेंट बी इज मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, स्टेटमेंट सी इज स्टडी डेवलपमेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डी नोटिफाइड एंड नोमैडिक ट्राइब्स इन इंडिया, स्टेटमेंट डी इज डिसिल्टीलेशन ऑफ रिवर गंगा। वेरी इजी क्वेश्चन। 2019 के जो हमारी जो बजट स्पीच थी, ठीक है, जो उस पर बजट फाइनेंस मिनिस्टर के, उसके अंदर रैंके कमीशन का जो है वो नाम लिया गया था। ठीक है, 2019 का जो बजट जो इंट्रोड्यूस किया गया था उसके अंदर रैंके कमीशन का जो नाम वो लिया गया था, तो उसी इंफॉर्मेशन के बेस पे जो ये क्वेश्चन बनाया गया है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहता है ये। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है, जो डी नोटिफाइड नोमैडिक और सेमी नोमैडिक जो कम्युनिटीज है उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन जो है वो गैदर करने के ऊपर, ठीक है, उनको क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स आ रही है उसके ऊपर जो रैंके कमीशन और आईडेट कमीशन जो है वो बनाया गया है। क्लियर, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं डी। ठीक है बच्चों, तो सभी के सभी इन्फॉर्मेशन जो है वो बिल्कुल सही है। 3D प्रिंटिंग और 4D प्रिंटिंग में बस यही डिफरेंस रह जाता है कि एक फोर्थ डायमेंशन जो टाइम का डायमेंशन है बस वो ऐड कर दिया जाता है 3D प्रिंटिंग में। ठीक है, और कैसे जाते हैं जो उसकी जो स्ट्रक्चर है आपको पता होगा, जो रिपीटेड स्ट्रक्चर है 2D की उसको यूज कर करके उसको जो 2D स्ट्रक्चर है वो 3D का पार्ट वो क्रिएट किया जाता है, और 4D प्रिंटिंग में एक जस्ट एक फोर्थ डायमेंशन जो है वो ऐड कर दी जाती है। तो 2017 में 3D प्रिंटिंग के ऊपर जो है वो क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब 2020 में 4D प्रिंटिंग है वो जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों 14th क्वेश्चन, तो जल्दी से आंसर कीजिए। NAL SARS समटाइम्स सीन इन द न्यूज। ठीक है, योर स्टेटमेंट ए इज न्यू टाइप ऑफ वायरस स्प्रेड इन अफ्रीका, स्टेटमेंट बी इज गवर्नमेंट स्कीम टू इंप्रूव टैप वाटर कनेक्टिविटी, स्टेटमेंट सी इज फर्स्ट इंडिया मल्टीपर्पज सिविलियन एयरक्राफ्ट, एंड स्टेटमेंट डी इज न्यू स्पीशीज ऑफ क्रेन फाउंड इन राजस्थान। NAL SARS, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकेंड्स बच्चों, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, इज फर्स्ट पर्पस सिविलियन एयरक्राफ्ट है बच्चों। ठीक है, मल्टीपर्पस सिविलियन एयरक्राफ्ट है, डिजाइन बाय नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी
बेंगलुरु, ठीक है, जो इसकी एक्सेलरेशन जो स्पीड ऑफ 1700 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, विद फील पेलोड्स के साथ जो है ये चल सकता है, ठीक है। और जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, लोअर फ्यूल कंजप्शन है, फ्यूल बहुत कम यूज करेगा, ठीक है, इसके जो लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए इसको ज्यादा रनवे के ऊपर चलने की जरूरत नहीं है, इसका बहुत ज्यादा शॉर्ट और टेक ऑफ डिस्टेंस बहुत कम है, और इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट भी बहुत ही ज्यादा कम है एज कंपेयर टू अदर सिविलियन एयरक्राफ्ट, ठीक है। और इसको जो है अभी अपग्रेड किया जा रहा है, जो 14 सीटर से 19 सीटर की तरफ इसको अपग्रेड भी किया जा रहा है, और इसी तरह के जो एयरक्राफ्ट जो है सिविलियन के, सिविलियन एयरक्राफ्ट वाला जो ये एनएल सारस है, इसको इसका मिलिट्री वर्जन भी है, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आने वाला है, क्लियर। तो चलिए अपने नेक्स्ट, क्लाउड कंप्यूटिंग। इसमें बच्चों क्या होता है, क्लाउड कंप्यूटिंग में एक सर्वर जो है बना दिया जाता है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन रहती है वो एक सर्वर में डाल दी जाती है, और उस सर्वर को बाकी सर्वर्स जो होते हैं उनके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है, सो डैट कि आप एक ही जो एक डाटा स्टोरेज को डिफरेंट डिफरेंट वे से आप उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना कुछ है नहीं क्लाउड कंप्यूटिंग में। हाई इंटरनेट स्पीड कनेक्शन, तो इसके अंदर जो है हाई इंटरनेट स्पीड के साथ साथ इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती, ठीक है, आप इजिली इसको यूज कर सकते हैं। तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया आपका, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बेसिकली इसकी एडवांटेजेस ही हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास है नहीं समझाने के लिए, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, क्लियर। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंस्टेक्स सेज समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज, तो जल्दी से आंसर कीजिए। स्पेशल पर्पज व्हीकल एम्ड एट फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड बिटवीन यूरोपियन इकोनॉमिक ऑपरेटर्स एंड ईरान। स्पेशल पर्पज व्हीकल एम्ड एट फैसिलिटेटिंग लेजिटिमेट ट्रेड बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड यूएसए, कलेक्टिव सिक्योरिटी मैकेनिज्म ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, एंड ऑप्शन डी सेट ऑफ अरेंजमेंट्स बिटवीन द यूरोपियन कंट्रीज टू फोस्टर कोऑपरेशन अमंग सेंट्रल बैंक फॉर हैविंग कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन। तो जल्दी से आंसर कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा कोई ऐसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए इसे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है बच्चों। तो ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान आपने सुना होगा, ठीक है, E5+1 और ईरान के बीच में। तो आपको पता है कि जैसे जो यूएसए है, ठीक है, वो जो है वो रिट्रीट कर गया है JCPO से, लेकिन फ्रांस और जर्मनी और जो यूनाइटेड किंगडम है E3, वो अभी भी जो है ईरान के साथ यूएस के सेंक्शन के बावजूद भी जो है वो उनका ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो ईरान के साथ ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है इन तीन कंट्रीज के द्वारा बनाया गया है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंस्टेक्स SAS इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट फॉर सपोर्टिंग ट्रेड एक्सचेंजेस। तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे क्वेश्चन बेस्ड है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। इट इज अ टेक्निक बाय विच एम्ब्रियोज आर कलेक्टेड फ्रॉम अ डोनर फीमेल एंड ट्रांसफर टू अ रेसिपिएंट मेल। स्टेटमेंट सेकेंड इज इट इज पॉसिबल इन बोथ ह्यूमन एंड एनिमल्स। स्टेटमेंट थ्री इज रिसेंटली द एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोग्राम फॉर एनिमल वॉज लॉन्च अंडर द राष्ट्रीय गोकुल मिशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी है बच्चों आजकल के जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक रामबाण बन के आई है, ठीक है, आपको पता होगा इस टेक्नोलॉजी के बारे में, बट इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है कई बार बच्चों को नहीं पता हो पाती। मैं इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो डेली हमारी यूज में रहते हैं, ठीक है, कुछ अलग से यूपीएससी क्वेश्चन नहीं बना करके पूछ रही, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज की हो। तो जल्दी से इसका आंसर देख, जो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन B and C, ठीक है। जो डोनर, जो एम्ब्रियो जो होता है वो ट्रांसफर किया जाता है रेसिपिएंट फीमेल से दूसरी फीमेल की तरफ, ठीक है, मेल में ट्रांसफर नहीं किया जाता, और जो एक्ट करता है सूरोगेट में, सूरोगेसी का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा, ठीक है। तो ये जो है एम्ब्रियो जो ट्रांसफर किया जाता है वो एक फीमेल से दूसरी फीमेल, क्योंकि वो जो फीमेल है उसके अंदर प्रेग्नेंट नहीं हो पाती, ठीक है, तो जो है जो वो एम्ब्रियो जो होता है वो उसको दूसरी फीमेल में ट्रांसफर किया जाता है,
ठीक है, जो हमारा जो नेशनल गोकुल मिशन है, ठीक है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, जो कि पार्ट है नेशनल मिशन ऑन बोवाइन प्रोडक्टिविटी का, उसके अंदर भी जो है, जो हमारी इंडिजीनियस ब्रीड्स है गाँव की, ठीक है, उसके अंदर भी जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा है, सो डैट जो इंडिजीनियस ब्रीड्स है उसको कंजर्वेशन उसके और उसकी डेवलपमेंट की जा सके। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री डेयरिंग फिशरी इन कोऑपरेशन विद 12 स्टेट्स, जो डिपार्टमेंट है एनिमल हस्बेंड्री का और 12 स्टेट के साथ मिलकर के जो इंडिजीनियस ब्रीड के ऊपर जो है ये मिशन को चला रहा है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, 18th क्वेश्चन, थर्ड ओवर का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आप जो है अपने जो मार्क्स हैं वो चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। क्लियर, जल्दी से आंसर कीजिए। स्वायत्त इज एन इनिशिएटिव टू प्रमोट स्टार्टअप थ्रू ई ट्रांजैक्शन ऑन गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस स्टार्टअप रन अवे इनिशिएटिव विल इनेबल ऑल काइंड्स ऑफ स्टार्टअप टू कंडक्ट मार्केट ट्रायल विद गवर्नमेंट बायर्स। जल्दी से आंसर कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन, 5 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, यू हैव ओनली 5 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए चलिए सख्त करेक्ट आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन ए। ठीक है बच्चों, तो अगर आपने, मैं वही बात से बोलूंगा कॉमन सेंस की बात, कि सभी तरीके के जो स्टार्टअप है उनको नहीं अलाउ किया गया है जो है वो ई मार्केट प्लेस के ऊपर जाकर खुद को जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और जो ऑर्डर्स हैं वो गवर्नमेंट से ले सकते हैं। कुछ सर्टिफाइड स्टार्टअप हैं जिनको अलाउ किया गया है, ठीक है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो गवर्नमेंट की जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, वो उसको एक पोर्टल बनाया गया है, ठीक है, जहाँ पर जाके गवर्नमेंट जो अपनी रिक्वायरमेंट दे देती है और जो जो लोग उस जो रिक्वायरमेंट का जो उस प्रोडक्ट होता है उसको प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो वहाँ से जाकर के ऑर्डर ले सकते हैं। क्लियर, और जो GMS स्टार्टअप है, ये जो यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है उसको भी फुलफिल करती है, ठीक है, तो आपको इस ये इन्फॉर्मेशन को भी ध्यान में रखना है। वो आपसे पूछ सकता है कि गोल जो है वो 8 को फुलफिल करती है, 9 को फुलफिल करती है कि 10 को फुलफिल करती है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको होनी चाहिए। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 है वो क्या है, बिल्ड रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड फोस्टर इनोवेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो मे भी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि स्वायत्त इनिशिएटिव है वो किससे रिलेटेड है, तो आपको इस कि एक इन्फॉर्मेशन को आपको मल्टीपल वे में यूज करना है, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, दिस इज ऑल अबाउट इन्फॉर्मेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वो जो है वो पोटेशियम आयोडाइड को जो है जो मेनली जो केमिकल्स है वो यूज किया जाता है, और इसमें ड्राई आइस है उसको भी यूज। क्लियर, सॉरी, द क्लाउड सीडिंग इज मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टिव व्हेन यूज्ड ऑन क्यूमुलस और स्ट्रेटिफॉर्म क्लाउड्स इन एयर फोर्स अप ओवर माउंटेन्स। तो आपको जो क्लाउड्स है, डिफरेंट क्लाउड्स की शेप है, आपको उसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, ज्योग्राफी में क्लाउड्स के ऊपर पूरा का पूरा टॉपिक है। तो क्यूमुलस और स्टैटिक फॉर्म ऑफ क्लाउड जो होते हैं उसके ऊपर जो क्लाउड सीडिंग का मोस्ट लाइकली होता है उसका अफेक्ट करना। क्लियर, पोटेशियम आयोडाइड जो इसका मेन एलिमेंट है, जो जो भी जो जिसको जो डाला जाता है वो पोटेशियम आयोडाइड ही मेनली जो है वो यूज किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर कैटालिटिक कन्वर्टर स्क्रबर सिस्टम, टर्म समटाइम्स सीन इन द न्यूज इज रिलेटेड टू, तो जल्दी से आंसर कीजिए, यू हैव 10 सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। डिवाइस यूज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स, टाइप्स ऑफ कन्वर्शन सिस्टम न्यूक्लियर पावर प्लांट, डिफरेंट प्रोसेस इन इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग सिस्टम, टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल डस्ट कलेक्टर। जल्दी से आंसर कीजिए, चलिए सर करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है आंसर करने। तो बच्चों ये टिपिकल टाइप ऑफ डस्ट को कलेक्ट करने के लिए सिस्टम है, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं, तो आप देख लीजिएगा इसकी जो ये एक्सप्लेनेशन दी गई है। और ये एयर प्यूरिफायर से कैसे, जैसे एयर प्यूरिफायर से कैसे इसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कि इसमें एक फिल्टर सिस्टम, क्लीनिंग सिस्टम होता है, ठीक है, एक ब्लोअर लगा होता है, एक डस्ट फिल्टर सिस्टम होता है, ठीक है, और जो बाद में इसको जो है वो डस्ट को रिसेप्ट करके उसको बाद में इसको रिमूवल हम उसको झाड़ देते हैं, ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं खास समझाने के लिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
21st क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। बायो जेट फ्यूल पावर्ड फ्लाइट इन इंडिया वाज ऑपरेटेड बाय स्पाइस जेट। ठीक है, तो आपको पता होगा 2019 में बायो फ्यूल जेट जो फ्लाइट है उसका जो है नितिन गडकरी जी के उस वक्त वो मिनिस्टर थे, तो उस टाइम पे ये किया गया था। तो जल्दी से आंसर कीजिए, बायोजेट फ्यूल के ऊपर क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। बायोजेट फ्यूल प्रोड्यूसेस मोर एनर्जी देन फॉसिल फ्यूल्स। बायोजेट फ्यूल कैन प्रोड्यूस फ्रॉम एनिमल फैट, यूज्ड कुकिंग ऑयल, वेस्ट डेयरी फैट एंड इवन सीवेज स्लज। जल्दी से आंसर कीजिए, वेरी इजी क्वेश्चन। बायोजेट फ्यूल तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं बच्चों। जैसे करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। जो बायोजेट फ्यूल जो होते हैं वो जो फॉसिल फ्यूल्स के कंपैरेटिवली कम एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस कर पाते हैं। ठीक है, फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस मोर एनर्जी देन सेम सम ऑफ बायोफ्यूल्स। क्लियर, और जो बायोजेट फ्यूल है उसकी जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो जो जो स्पेशल टाइप ऑफ फ्यूल जो होता है जो फ्लाइट्स के अंदर यूज किया जाता है वो मोर एनर्जी डेंस होता है और मोर एफिशिएंट होता है, और इसमें से जो सल्फर कंटेंट होता है वो कम होगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो इंजन की जो वियर एंड टीयर होगी सल्फर कंटेंट की वजह से, आपको जो थोड़ा सा टेक्निकल पता हो कि सल्फर कंटेंट की वजह से जो हमारे BS6 जो न्यू नॉर्म्स आए हैं, ठीक है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, उसमें भी सल्फर कंटेंट को कम किया गया है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो इंजन की वियर एंड टीयर होती है वो कम होती है, और जिसकी वजह से क्या है, जो लेस जो है जो फॉसिल फ्यूल गैसेस हैं वो कम बाहर निकलती है, जो कि हमारे एनवायरनमेंट जो है वो लेस पोल्यूट होता है। ठीक है, और जो बायोजेट फ्यूल है इसको प्रोड्यूस कर सकते हैं एनिमल फैट, यूज्ड कुकिंग ऑयल से भी जो है बायोजेट फ्यूल को यूज किया जा सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसके बारे में बायोजेट फ्यूल के बारे में इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बच्चों आपकी स्क्रीन पर, 22 क्वेश्चन है, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। स्टेटमेंट वन इज इट कैन कन्वर्ट म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू बायोफ्यूल। स्टेटमेंट टू इज इट कैन बी यूज टू जनरेट एनर्जी फ्रॉम सॉलिड वेस्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट। स्टेटमेंट थ्री इज इट डज नॉट गिव आउट एनी वेस्ट एट द एंड ऑफ प्रोसेस। तो जल्दी से आंसर कीजिए, डिफरेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है अभी दिल्ली में, जो आपको पता है जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर दिल्ली में इसका यूज किया गया है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देख, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर, IIT खड़गपुर के अकॉर्डिंग द्वारा जो है ये टेक्नोलॉजी का जो है वो यूज मेनली, जो ये टेक्नोलॉजी जो बनाई है वो मेनली IIT खड़गपुर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट योगदान है इसके अंदर। ठीक है, जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है जो प्रोसेस है उसके अंदर म्यूनिसिपल वेस्ट का जो 20-30% ही वेस्ट है जो उसको रिसाइकिल किया जाता है, लेकिन जो हाइड्रो थर्मल कार्बोनाइजेशन टेक्नोलॉजी को हम यूज़ करके जो पूरा का पूरा वेस्ट है, ठीक है, 100% नियर अबाउट 100% जो वेस्ट है उसको रिसाइकल कर सकते हैं, और जो ये अफेक्टिव है जो म्यूनिसिपल वेस्ट विद हाई मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है, जो हाई मॉइस्चर कंटेंट जो हमारी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करने के लिए, वो जो है वो लो मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए उस सॉलिड वेस्ट के अंदर, लेकिन इस टेक्नोलॉजी से जो हाई मॉइस्चर कंटेंट के साथ भी, ठीक है, हम उसको जो है ट्रीट कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से आंसर कीजिए। क्रिस्पर कैस 9 बहुत इंपॉर्टेंट UPSC का फेवरेट टॉपिक है ये क्रिस्पर कैस 9। ठीक है, 2017 और 2018 में क्रिस्पर कैस 9 के ऊपर क्वेश्चन जो है वो पूछा जा चुका है, क्रिस्पर कैस 9 के ऊपर क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। वेरी इजी क्वेश्चन, जल्दी से आंसर कर दीजिए। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर देखते हैं, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, 2016 में भी क्रिस्पर कैस 9 टेक्नोलॉजी से जो क्वेश्चन पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया, ठीक है, 2019 में भी पूछा गया, तो इस साल के लिए जो ये है टेक्नोलॉजी फिर से एक बार फिर से इंपॉर्टेंट हो जाती है, जैसे UPSC अल्टरनेट ईयर्स पे जो है क्वेश्चन जो है इस पर पूछ रही है। इसमें क्या कहता है, एक टाइप ऑफ सीजर है जो हमारे जो जो
डीएनए होता है, ठीक है, उसकी कटिंग के लिए जो हमारा जो डीएनए होता है, ठीक है, जो खराब हो चुका हुआ है, ठीक है, जो जिसकी वजह से जो हमारी जो बीमारियां जो इंसान को लगती हैं, वो डीएनए को जो वो खराब करती हैं, उसको जो कट करके उसको वो टेक्नोलॉजी जो होती है वो क्रिस्पर कैस 9 होती है। क्लियर? इट इज अ यूनिक टेक्नोलॉजी डैट इनेबल जेनेटिक्स जेनेटिस्ट एंड मेडिकल रिसर्चर टू एडिट पार्ट ऑफ जीनोम बाय रिमूविंग, उसको रिमूव कर सकती है, ऐड कर सकती है और अल्टर कर सकती है। तो चलिए अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद जो आपको आपके जो टोटल मार्क्स है वो चैट बॉक्स में कमेंट करने हैं। 24th क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर आ गया है, तो जल्दी से आंसर कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, यह भी रिसेंट बहुत ज्यादा न्यूज में था, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। इट इज एन 8-डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर अलॉटेड टू एनी पर्सन इंटेंडिंग टू बी अ डायरेक्टर और एन एग्जिस्टिंग डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। स्टेटमेंट टू इज इफ वंस अलॉटेड इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम ऑफ अ डायरेक्टर अंटिल कैंसल्ड सराउंडेड सरेंडर्ड और डीएक्टिवेटेड। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ पर्सन, ठीक है। इफ वन एक्ट एज अ डायरेक्टर फॉर मोर देन वन कंपनी ही शी मे ऑल्सो गेट मोर देन वन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर DIN। तो जल्दी से आंसर कीजिए, यू हैव 15 सेकेंड टू आंसर दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है आप अपने मार्क्स जो है वो चैट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तो चलिए इसे करेक्ट आंसर देख लेते हैं। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ठीक है बच्चों। जो एक डायरेक्टर होगा उसको, चाहे वो एक कंपनी का डायरेक्टर हो चाहे वो दो कंपनीज का डायरेक्टर हो, ये पर्सन स्पेसिफिक होता है, उसको एक ही डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए न्यूज में था क्योंकि जो MCA है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, नो योर क्लाइंट, जो हम फॉर्म फिल करते हैं, जैसे आपने आपके जो पेटीएम है, ठीक है, जो गूगल पे है जो आप यूज करते हैं, उसके अंदर पहले जो इन्फॉर्मेशन ये मांगता होता है, ठीक है, तो उसको फिल ना करने की वजह से जो है MCA ने जो ये डीएक्टिवेट किए थे, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है वो डीएक्टिवेट कर दिए थे, ठीक है। 9,40,313 डायरेक्टर्स के जो नंबर्स थे वो उसको डीएक्टिवेट कर दिया गया था। तो बच्चों ये था हमारा आज का सेशन, आई होप ये सेशन जो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो जल्दी से इसे शेयर और लाइक कर दीजिए, ठीक है, और कोरोना वायरस से बचे रहिए, घर पे अपने रहिए, ठीक है, बाहर कम से कम निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए, क्लियर, और अपनी तैयारी को जो है करते रहिए अभी अभिमन्यु IAS के साथ। चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।